Yes, friends. Now, after question number 7th, now we are going to see your question number 8th. तो क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ. आई बिलीव अब आपको एनपीवी निकालना आ गया होगा. एनपीवी हम कैसे निकालते हैं? तो एनपीवी का फॉर्मूला होता है पीवी ऑफ सीआई माइनस पीवी ऑफ सीओ. तो एनपीवी, उसके बाद आईआरआर पर क्या होता है? एट आईआरआर पीवी ऑफ सीआई इक्वल्स टू पीवी ऑफ सीओ. इसका मतलब एनपीवी विल बी जीरो. और पीआई का मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या डिजायरेबिलिटी फैक्टर का मतलब होता है. दैट इज अ वेरिएशन ऑफ एनपीवी मेथड ओनली. और उसमें हम कैलकुलेट करते हैं PV of CI divided by PV of CO. That is what you have learned, right? तो अब हम question number 8 देखते हैं. The management of a company has two alternative proposal under consideration. Project A requires a capital outlay of 12 lakhs and project B requires rupees 18 lakh. Both are estimated to provide a cash flow for 5 years. Okay. Project A rupees 4 lakh per year and project B rupees 5,80,000 per year. The cost of capital is 10%. Show which of the two project is preferable from the point of view of NPV method, present value index method, that is PI method, and internal rate of return method. The present value of rupee 1 of 10%, 18% and 20% to be received annually for 5 years being 3.791, 3.127 and 2.991 respectively. That has been given to us in the question. I believe ये question बहुत ही simple है friends. कैसे simple है? हमें बोला है कि आपके दो project थे, दोनों का life same है. अगर life same नहीं होता तो हम annualized gain निकालते हैं. याद है ना आपको? That is what you will do. But अभी हमें दोनों का life same है तो बहुत simple question है. पहले हम एक project को evaluate करेंगे, तीनों चीजें निकालेंगे एक project का, और फिर आप दूसरा B project का निकालोगे. तो पहले हम लिखेंगे evaluation of project A. अब जब आपको इवेल्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट ए करना है तो सबसे पहले कैपिटल आउटले उसमें रखना है 12 लाख का. 12 लाख रुपीज लगने वाला है प्रोजेक्ट ए के अंदर. तो आई बिलीव सबसे पहले आप लिखोगे पीवी ऑफ सीओ 12 लाख इनटू 1, 12 लाख ही आ जाएगा. फिर जब पीवी ऑफ सीआई जब हम लिखेंगे तो आई बिलीव पीवी ऑफ सीआई निकालने के लिए 4 लाख आपका एनुअल सीआई है 5 साल के लिए. और हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब क्वेश्चन में कितना दे रखा है 10% दे रखा है आई बिलीव सो, है ना? कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%. तो 10% का प्रेजेंट वैल्यू जो है वो है 3.791. तो आई बिलीव ये जो अमाउंट है आपके पास 4 लाख पर ईयर, इसको आप 3.791 से मल्टीप्लाई कर दोगे. तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3.791, 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3.791, तो आई बिलीव ये आपके पास पीवी ऑफ सीआई आ गया. और इसमें आपको और कुछ तो बता ही नहीं रखा है, ठीक है ना? तो दिस पीवी ऑफ सीआई और हमारा 12 लाख होता तो माइनस 12 लाख कर देंगे इसमें से हम, तो हमारे पास एनपीवी आ गया 3,16,400 का एनपीवी आ गया. और अगर मैं बोलूं कि हम इसको डिवाइड बाय 12 लाख कर देंगे तो हमारे पास 1.26 का हमारे पास पीआई भी आ गया. तो आपने एनपीवी भी निकाल दिया, पीआई भी निकाल दिया. अब इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, ठीक है ना? तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये 15,16,400 तो आपका पीवी ऑफ सीआई आ रहा है, हमें 12 लाख लाना है. अगर इस 15 लाख को मुझे कम करके 12 लाख लाना है, या फिर मैं डायरेक्टली एक काम करता हूं ना, जो मेरे पास 12 लाख रुपए जो मैंने आपको सिखाया था इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए, 12 लाख डिवाइडेड बाय व्हाट आई कैन डू इज 4 लाख. 12 लाख डिवाइड बाय मैं 4 लाख कर सकता हूं तो मेरे पास 3 आ गया साहब. 12 लाख डिवाइड बाय 4 लाख करा तो मेरे पास 3 आ गया. इसका मतलब मेरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 3 आना चाहिए. तो वो 3 कब आएगा? आई बिलीव वो 3 आएगा 3.127 और 2.991 के बीच में. 3.127 और 2.991 के बीच में, जो कि 18 और 20 के बीच में. तो अब मैं क्या करूंगा भाई? 3.127 से तो 18 तो आ ही रहा है, 18 पे 3.127 तो आ ही रहा है. तो 3.127 में से मेरे को 3 लाना है, तो मतलब 0.127. तो 0.127 डिवाइडेड बाय 3.127 माइनस 2.9991, तो डिनोमिनेटर में तो ये आ जाएगा और न्यूमिनेटर में ऊपर आएगा 0.127. ऊपर न्यूमरेटर में आएगा 0.127 और डिनोमिनेटर में ही आ जाएगा. तो हम इसको चेक करेंगे तो 0.127 डिवाइडेड बाय 0.1279
ओके सो सॉरी 0.127 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 0.1279 तो 1.98, तो आई बिलीव 18 प्लस 1.98 तो ये आपके पास IRR आ गया। अब हम चेक कर लेते हैं इसको, चाहे हम क्वेश्चन नंबर 8 को चेक कर लेते हैं। पहले तो ये 316,400 आ गया, फिर PI जब निकाला तो 1.26 आ गया, और ये जब हमने निकाला तो 19.87 आ गया, जो हमने बताया अभी आपको 19.99 एक्यूरेट तो वही आना चाहिए यार। 12 लाख को डिवाइड करेंगे 4 लाख से तो 3 लाख ही आ रहा है, और इसने हाँ करा तो वैसे ही है, आएगा तो वही 19.87 या 19.99, वो हमारा ज्यादा एक्यूरेट है 19.99। दैट इज वॉट यू हैव डन एक्चुअली। तो आपको ये समझ में आया, आई बिलीव आप भी कर सकते हो बहुत इजीली, है ना। अब हम जब हम बी की बात करेंगे, इसमें प्रपोजल जो प्रोजेक्ट बी है उसकी बात करेंगे, तो पीवी ऑफ सीओ तो 18 लाख ही हो गया। देखो ये दे दिया पीवी ऑफ सीओ 18 लाख ही। उसके बाद जब आप इसमें पीवी ऑफ सीआई निकालोगे तो इसमें हर बार 5,80,000 मिल रहा है, तो हम क्या करने वाले थे, 5,80,000 इंटू 3.791, 5,80,000 इंटू 3.791 तो ये आ गया। इसमें से ये माइनस कर दोगे तो आपके पास एनपीवी आ गया, और इसको डिवाइड कर दोगे इससे तो आपके पास पीआई भी आ जाएगा। अब वापस से इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है तो हमारे पास 2,19,000 ये समथिंग आ रहा है अभी तो, बट हमको लाना है 18 लाख ही, तो अभी तो 2 लाख नहीं, सॉरी वो 21 लाख है, 21 लाख 90,780 और 18 लाख ही लाना है। तो अब हम क्या करें, तो इसका मतलब वापस से अगर इसको कम करना है तो डिस्काउंटिंग फैक्टर को बढ़ाना पड़ेगा, तो वही हमारे पास बीच में, तो या फिर हम डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे, तो 18 लाख जो हमारा आउटफ्लो था डिवाइडेड बाय 5,80,000 जो हमारा एनुअल इनफ्लो है, तो हमें पता पड़ गया 3.10 आ रहा है। तो वापस से वो इन दोनों के बीच में ही है, 3.127 और उसके बीच में ही, तो 3.127 माइनस कर देंगे इसमें से, माइनस 3.127, तो न्यूमरेटर में तो ये आ गया, ठीक है ना, 0.2 समथिंग जो भी आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये आ गया, और इसको डिवाइड कर देंगे हम 0.1279 से, तो आपके पास आ गया 36, तो ये 18.37 आंसर आना चाहिए। चेक कर लेते हैं हम, 18.37 ही आ रहा है क्या, हाँ 18.37। तो आपने ये प्रोजेक्ट ए के लिए भी निकाल दिया और ये प्रोजेक्ट बी के लिए भी निकाल दिया, जैसा मैंने बताया आप वैसे करो ज्यादा बेटर होगा। एक बार ये प्रोजेक्ट ए और बी के लिए दोनों आ गए, तो अब हमने समरी ऑफ द रिजल्ट्स बनाया, एनपीवी इतना और इतना है, पीआई भी हमने निकाल दिया और आईआरआर भी निकाल दिया। तो अगर आप चेक करोगे एनपीवी से तो प्रोजेक्ट बी बेटर आ रहा है, बट पीआई से चेक करेंगे तो प्रोजेक्ट ए, और आईआरआर से चेक करेंगे तो भी प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये दोनों में ज्यादा आ रहा है। तो अब अगर आपसे बोल रहा है कि सेलेक्ट करो आप, तो कभी भी क्वेश्चन सिलेक्शन के लिए पूछेगा और 3-4 मेथड बोल रखे हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर वी विल सेलेक्ट द प्रोजेक्ट इन विच मेजॉरिटी ऑफ टेक्निक्स आर प्रिवेलिंग, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ टेक्निक जो सेलेक्ट करेगा वही प्रोजेक्ट हमको सेलेक्ट करना है। तो आई वुड लाइक टू से अभी 3 में से पीआई और आईआरआर तो प्रोजेक्ट ए को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो विल राइट द रिकमेंडेशन, सिंस मेजॉरिटी ऑफ द टेक्निक्स आर इन फेवर ऑफ प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट ए शुड बी सेलेक्टेड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, बहुत सिंपल था क्वेश्चन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर आएंगे पहले फ्रेंड्स, ठीक है, वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 11 नाउ। 11th रीड करते हैं, अब हम क्या गिवन है, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन नंबर 11th नाउ। द मैनेजमेंट ऑफ पी लिमिटेड, आप भी साथ साथ में आपकी बुक्स में पढ़ना, ठीक। द मैनेजमेंट ऑफ पी लिमिटेड इज कंसीडरिंग सिलेक्टिंग ऑफ अ मशीन आउट ऑफ 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मशीन, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बताया है। 2 तरीके के प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट और एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है That आप बोथ द प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो अगर दोनों का एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है या टेक्निक्स के थ्रू दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं, तो वो हो गया इंडिपेंडेंट, मतलब बोथ द प्रोजेक्ट कैन बी सेलेक्टेड। बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि अगर 2 प्रोजेक्ट है तो उनमें से सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो सकता है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। तो 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ तो उनमें से हमेशा एक ही होगा, बट अगर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स है तो बोथ द प्रोजेक्ट्स कैन आल्सो बी सेलेक्टेड, ठीक है ना। चलो तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को ही देखते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ पी लिमिटेड इज कंसीडरिंग सेलेक्टिंग ऑफ अ मशीन
आउट ऑफ द टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मशीन्स द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%, तो 12% हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर हो गया एंड कॉर्पोरेट टैक्स रेट फॉर द कंपनी इज 30%, ठीक है, ये हमारे पास टैक्स रेट भी आ गया। डिटेल्स ऑफ द मशीन आर एज फॉलोस, कॉस्ट ऑफ द मशीन, एक्सपेक्टेड लाइफ, एनुअल इनकम बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। तो एनुअल इनकम बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन का मतलब ये NPBDT हो गया, तो इसमें से पहले डेप्रिसिएशन लेस होगा, फिर जो भी आएगा उसमें से आप टैक्स लेस करोगे, फिर NPAT जो आया उसमें आप डेप्रिसिएशन वापस ऐड करोगे, तो ये CI बनेगा। आगे डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कॉमा नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर ईच मशीन, ओके। और एडवाइस सेकेंड है, एडवाइज द मैनेजमेंट ऑफ पी लिमिटेड एज टू विच मशीन दे शुड टेक अप द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ ₹1 एज फॉलोज, ओके। 12% के मतलब ये डिस्काउंटिंग फैक्टर दे दिया आपको, 12%, 13%, 14%, 15%, 16% तक का सारे डिस्काउंटिंग फैक्टर दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो आप इन्हीं डिस्काउंटिंग फैक्टर्स को यूज करके यू आर गोइंग टू डू दैट, राइट। तो हम सबसे पहले मशीन ए को करने जाएंगे ना, तो मशीन ए का कॉस्ट कितना है, 1,000,000 है। एक तो आई वुड लाइक टू से पीवी ऑफ सीओ जब लोगे तो प्रोजेक्ट ए में तो 1,000,000 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 1,000,000 इंटू 1 करना पड़ता है, ईयर 0 के लिए 1 ही होता है डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो 1,000,000 ही आ गया। अब आप लोगे पीवी ऑफ सीआई, तो पीवी ऑफ सीआई के लिए सबसे पहले NPBDT गिवन है एवरी ईयर का 345, उसमें से हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे 2,00,000 रुपए का, तो 345 माइनस 2,00,000, तो इट विल गिव यू 145 आपके पास NPBT आया, इसमें से आप 30% का टैक्स रेट लेस करोगे, तो 145,000 माइनस 30% का टैक्स रेट, तो आपके पास जब माइनस 30% करा तो 101,500 बच गया, 30% ही था ना, हाँ, तो 101,500 बचा, इसमें अब हम डेप्रिसिएशन वापस ऐड कर देंगे 2,00,000 रुपए का, तो 301,500 हमारे पास CI आ गया, NPAT निकाला उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया मैंने, तो ये हमारे पास 301,000 आ गया। अब 301,000 आ गया, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू नाउ विल बी आई बिलीव, अब अगर हमें 12% का दे रखा है ना, तो ये आपके पास 5 साल के डिस्काउंटिंग फैक्टर दे रखे, 6 साल का भी दे रखा है, 5 और 6 के क्यों दिए, अच्छा क्योंकि मशीन 2 का 6 ईयर्स का लाइफ है, ठीक है, तो मशीन 1 के लिए जब आपने करा तो 5 साल का लेना है आपको, तो आप ईयर 1 से लेकर के ईयर 5 तक का 12% का वो ऐड कर दो, दैट इज 0.893, 0.797, 0.712, 0.636, 0.567, यहां तक आप ऐड कर दो, तो ये आपके पास PVAF आ जाएगा ना, और हमारे पास ये हर साल सेम ही है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे PVAF से, तो हमारा आंसर आ जाएगा PV ऑफ CI का, उसमें से PV ऑफ CO माइनस कर दोगे तो NPV आ जाएगा। क्वेश्चन में एक तो NPV पूछा था, तो वो तो ऐसे ही निकलेगा, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड पूछेगा, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू विल बी आई बिलीव डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालने के लिए, तो हमें हर साल के इसको टेबल से मल्टीप्लाई करके, हर ईयर के उससे मल्टीप्लाई करके क्यूमुलेटिव निकालना पड़ेगा, और फिर डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड आएगा, मैं 1,000,000 कहां तक के ही खोला, समझ गए, तो टेबल तो बनानी पड़ेगी क्योंकि डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड बोला है, तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड बोला और टेबल बनानी है, तो आप टेबल में क्या क्या बनाओगे, सबसे पहले ईयर्स बनाओगे 1, 2, 3, 4, 5 ईयर्स के बाद आपको मैंने ये तो आपने हर साल का निकाल लिया, तो आप डायरेक्टली CI लिख दोगे, इसके बाद आप डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो पीवी ऑफ सीआई आएगा, और फिर उसका साथ में क्यूमुलेटिव बनाओगे, दैट इज व्हाट यू विल डू, वो आप क्यूमुलेटिव बना लोगे। आगे समझ में आ रही है बात मेरी जो मैं बोल रहा हूं, हाँ, और वो क्यूमुलेटिव जब बनाओगे तो वो 1,000,000 के कहां बीच में आ रहा है, उससे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकलेगा। चलो हम चेक तो करते ही अभी इसको, तो मैं अगर 12% का निकालूं, यहां पर तो सब दे ही रखा है, तो आप वो मल्टीप्लाई कर लोगे, हम आंसर देखते हैं इसका डायरेक्टली, है ना, क्योंकि इजी क्वेश्चन है तो आप भी कर पाओगे ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11th का फर्स्ट, सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है, लेट अस रीड दिस, देखो उसने क्या करा, पहले तो NPBDT गिवन था वो कर लिया, और ये एनुअल CI तक आ गया, देखो 301,500 जैसा मैंने आपको निकाल के बताया वैसे ही इसने ऐसे ही प्रोजेक्ट बी का भी निकाल दिया, मशीन 2 का भी निकाल दिया, पहले तो CI तो सॉरी तो एनुअल CI आ गया दोनों का, ठीक है, एनुअल CI दोनों का आने के बाद अब इवैल्यूएशन ऑफ मशीन 1 कर रहा है तो कैपिटल कॉस्ट तो ये आएगी,
सीआई लिखा, डिस्काउंटिंग फैक्टर 12% का लिखा, पीवी ऑफ सीआई आया, और ये आपका डिस्काउंटेड पेबैक के लिए इसने इसको ऐड भी कर दिया। अब ये कहां पर आ रहा है, तो आई बिलीव ये 4 और 5 ईयर्स के बीच में आ रहा है, क्योंकि हमें 10 लाख चाहिए और वो इन दोनों के बीच में ही है, ठीक है ना। और एनपीवी चाहिए तो वो 86909 तो आएगी 5 सालों का, ठीक है। और यहां पर हाँ, सेल्वेज 0 है और वर्किंग कैपिटल भी 0 है, इसलिए उसको हमने ऐड कुछ कराएंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है सबको। अब इन दोनों के बीच में मतलब 4 ईयर्स आने आने हैं। अब 10 लाख में से ये 9 लाख कितना है, ये 9,65,000 जो भी आ रहा है, हाँ, इसको आपको लेस करना है। 10 लाख माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये 170,951, तो उससे आपका पेबैक, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड भी आ जाएगा। चेक कर लेते हैं हम, देखो इसने ये वो IRR के लिए बनाया है, बट पहले आप ये चेक कर लो डिस्काउंटेड पेबैक। 4 ईयर्स प्लस ये माइनस कर दिया ना, 10 लाख में 9,15,950 जो भी था वो माइनस करा और उसको डिवाइड बाय दिस कर दिया, तो 4.49 ईयर्स आ गया। एनपीवी निकालना था, तो एनपीवी तो आपके पास दिस माइनस वो 10 लाख करना ही था, तो 86,900 आ गया, 909 आ जाएगा, जो मैंने आपको बताया। अब IRR की बात करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब हर साल हमारे पास ये सेम है ही से 3,01,500, तो 10 लाख को डिवाइड कर दो आप 3,01,500 से, मैं आपको ऐसे ही चेक करवाता हूँ। 10 लाख डिवाइडेड बाय 3,01,500, ठीक है ना, तो 3.31 आया। अब आप चेक करोगे कि 3.31 आप 14% 50 ये जो गिवन है ना आपको परसेंटेजेस जो गिवन है उन सबको ऐड करो पांच साल का, और वो PVF निकालो, और वो किसके बीच में आ रहा है वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो अगर हम यहां पर चेक कर रहे हैं तो 14 और आई थिंक 16 के बीच में आ रहा है, 14 और 16 के बीच में आ रहा है। तो जब 14 और 16 के बीच में आ रहा है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, आई डोंट नो, हाँ, तो 14 और 16 के बीच में आ रहा है, तो वी हैव टेकन दैट थिंग। और आई बिलीव अब आपको ये न्यूमरेटर लेना आता है कि 14 पर कितना आ रहा था, उसमें से माइनस करोगे आप 10 लाख जो हमें चाहिए, और उसको डिवाइड करना है हमें 14 और 16 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देखा होगा आपने, तो वो ले लोगे आप और मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि डिफरेंस आपका 2 का है, तो ऐसे आपका IRR आ गया। आई बिलीव सेम यू कैन डू फॉर यू नो दिस मशीन टू का आप खुद ट्राई करो, बट ध्यान रखना बाप इस क्वेश्चन में एक बात जो हमें समझनी है, मशीन ए 5 ईयर्स के लिए मगर मशीन बी 6 ईयर्स के लिए, तो वी कांट कंपेयर देम डायरेक्टली बाय द एनपीवी मेथड। हमें उस एनपीवी के बदले क्या निकालना पड़ेगा, एनुअलाइज गेन निकालना पड़ेगा, हमको हर साल का गेन निकालना पड़ेगा। वो कैसे आएगा, तो वो हमेशा एनपीवी को डिवाइड करना है अपने पीवीएफ से। तो जब 5 साल का है तो 5 साल का 12% वाला पीवीएफ निकालो और उससे डिवाइड करो एनपीवी को, उससे एनुअलाइज गेन आएगा। ऐसे ही प्रोजेक्ट बी में पीवीएफ 6 साल का लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट की लाइफ ही 6 साल है, तो जो भी आपने निकाला होगा उसको एनपीवी को डिवाइड करना 6 साल के पीवीएफ से, तो एनुअलाइज गेन आएगा। फिर इन दोनों में से जो ज्यादा होगा दैट यू विल सी, और प्रेजेंट वैल्यू, हाँ है ना। और दूसरा फिर जो आपने ये निकाला है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, जिसमें जितना कम होगा वो देखोगे आप, और तीसरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसमें जितना ज्यादा आएगा वो देखोगे आप। तो लेटेस्ट सीधा आंसर, ये मशीन टू का भी कर दिया इसने पूरा, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड 5.41 भी निकाल दिया, एनपीवी भी निकाला, एनपीवी इसका ज्यादा आ ही रहा है, और इंटरपोलेशन के लिए हो गया, समरी निकाली डिस्काउंटेड पेबैक एनपीवी और IRR। तो जब आप देख रहे हो तो ये दो चीज ज्यादा आ गई इसमें, मतलब डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड इसके फेवर में ही है और IRR भी इसके फेवर में, तो देयरफॉर एनपीवी के बाद एनुअलाइज गेन की बात ही नहीं। मगर अगर हमें निकालना होता तो हमें एनुअलाइज गेन ही निकालना पड़ता है, एनपीवी कैन नॉट बी कंपेयर्ड, ये 6 साल का है और ये 5 साल का ही है। तो अभी हम इसमें मशीन ए ही सेलेक्ट कर रहे हैं, मशीन वन ही सेलेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ टेक्निक्स आर फेवरिंग इन दिस मशीन फेवर। आई बिलीव ये दोनों क्वेश्चन आप कर पाओगे ना फ्रेंड्स, यस। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे को वापस से बताना, आई विल टेल यू दैट। अब क्वेश्चन 11th के बाद ना हम आएंगे आपका क्वेश्चन नंबर 12th पर। लेट अस रीड दिस क्वेश्चन नंबर 12th नाउ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12th, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12th। अब हम क्वेश्चन नंबर 12th पढ़ते हैं, ठीक है, क्या गिवन है हमें, लेट अस रीड दिस। गिवन बिलो आर द डेटा ऑन अ कैपिटल प्रोजेक्ट एम, ओके, एनुअल सेविंग्स इन कॉस्ट, हर साल हम ये कॉस्ट का बचा लेते हैं। तो अगर मैं, मेरी बात सुनना,
हमने कोई आउटफ्लो को बचाया तो वो हमारे लिए इनफ्लो कहलाएगा, और अगर कोई हमने इनफ्लो बचाया तो वो हमारा आउटफ्लो कहलाएगा। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखनी। तो एनुअल सेविंग्स इन कॉस्ट कितनी दे रखी है अभी आपको? 60,000। यूजफुल लाइफ 4 ईयर्स की बता रखी है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमें बता रखा है, IRR हमें बता रखा है 15% का। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.064 का बता रखा है, और सेल्वेज वैल्यू 0 बता रखी है। ओके, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी हमारे पास। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फॉर दिस प्रोजेक्ट एम कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, निकालना है हमको। क्वेश्चन में बोला है कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट निकालो, सेकेंड हमसे बोला है पे बैक पीरियड निकालो, थर्ड हमसे बोला है कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो, और फोर्थ हमसे बोल रहा है एनपीवी निकालो। ठीक है, तो अब हमें ये चारों चीजें निकालनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, बहुत अच्छे से दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी निकलेंगी ये चारों चीजें। तो अब अगर हम इसमें सोचते हैं, आप भी सोचो, तो आई वुड लाइक टू से एनुअल सेविंग्स इन कॉस्ट, मतलब ये तो सीआई हो गया हमारा, एनुअल सीआई हो गया हमारा। यूजफुल लाइफ 4 ईयर्स है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR दे रखा है हमको ये 15% का। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमें बता रखा है 1.064 का। ठीक है, और हमारे पास सेल्वेज वैल्यू निल बता रखी है। ओके, तो नाउ आई वांट टू से कि अब ये जो क्वेश्चन नंबर 12 था ना, इसमें हमारे पास एनुअल सेविंग्स इन कॉस्ट बता रखा है 60,000 का। तो ये एनुअल सेविंग्स इन कॉस्ट का मतलब ये एनुअल सीआई हो गया हमारे लिए। उसके बाद यूजफुल लाइफ है 4 ईयर्स की, IRR है 15% का, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है 1.064 का, और सेल्वेज वैल्यू 0 है। हमें कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट निकालना है। कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? पीवी ऑफ सीओ हो गया, सिंपल। पीवी ऑफ सीओ मींस कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट। उसके बाद पे बैक पीरियड निकालना है हमको, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है हमको, और एनपीवी निकालना है हमको। ठीक है, अब हमारे पास पीवी फैक्टर एट अ डिफरेंट रेट्स आर गिवन बिलो। 1 ईयर का 15% का डिस्काउंटिंग फैक्टर, 14% का, 13% का, और 12% का गिवन है। बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू से हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है 1.064, हमारे पास IRR है 15% का। तो 15% का IRR पर क्या होता है? पीवी ऑफ सीओ इज इक्वल्स टू पीवी ऑफ सीआई। अब पीवी ऑफ सीआई मतलब ये 15% दे रखा है हमको, तो ये 15% का आई वुड लाइक टू से ये चारों को ऐड कर देंगे हम, 15% वाले इन चारों को ऐड कर देंगे, तो पीवीएफ हो गया। उस पीवीएफ को अगर मैं 60,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो पीवीएफ को अगर मैं 60,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आई वुड लाइक टू से पीवी ऑफ सीआई आएगा। मगर वो पीवी ऑफ सीआई IRR वाला निकाला है, तो वो पीवी ऑफ सीओ बन जाएगा, क्योंकि IRR पर पीवी ऑफ सीआई और पीवी ऑफ सीओ सेम होते हैं। तो देयरफॉर वो जो आप पीवी ऑफ सीआई निकाल रहे हो, इट इज नॉट योर पीवी ऑफ सीआई, वो आपके लिए पीवी ऑफ सीओ का काम करेगा। निकलेगा पहले सीआई, मगर आपको पता है IRR पर पीवी ऑफ सीआई इज इक्वल्स टू पीवी ऑफ सीओ। तो देयरफॉर, और पीवी ऑफ सीओ इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ओनली। तो इसका मतलब मैं इन सबको पहले चारों को ऐड करता हूं। जब मैं इन चारों को ऐड कर दूंगा ना, दैट इज क्या चार हैं वो मेरे, मैं ऐड करता हूं उनको, एक मिनट। यस, आई हैव टू टेक पॉइंट, मैं इसको थोड़ा सा यहां रखता हूं, हाँ ये रहा 0.869। व्हाट आई हैव टू टेक इज, एक मिनट, हाँ ठीक है। अब मेरे को लेना है 0.869 प्लस 0.756 प्लस 0.658 प्लस 0.572। तो ये मेरे पास 2.855 आया। इसको जब मैं एनुअल सी आई 60,000 से मल्टीप्लाई करूंगा ना फ्रेंड्स, तो ये मेरे पास जो आया है ना 1.171,300, इट इज नथिंग बट माय कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, बिकॉज ये पीवी ऑफ सी आई आया है। ठीक है, 15% IRR पर, मगर IRR पर पीवी ऑफ सी आई इज इक्वल टू पीवी ऑफ सीओ, और पीवी ऑफ सीओ कभी चेंज नहीं होता, बट पीवी ऑफ सी आई तो चेंज होगा ना। एनपीवी के लिए तो अलग आएगा, कॉस्ट ऑफ द कैपिटल पर जब आप पीवीएफ निकालोगे तो उसका तो अलग आएगा। देयरफॉर ये जो अभी आपने निकाला है, इसको हम पीवी ऑफ सीओ बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हमारा कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, तो यहां तक तो आप आ गए। अब कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मतलब यही है, और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 60,000 से, क्योंकि एनुअली मेरे को 60,000 मिलते हैं,
तो मेरा पे बैक पीरियड 2.855 इयर्स ही आ गया, तो मेरा पे बैक पीरियड आ गया, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आ गया। अब मुझे निकालना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालूंगा फ्रेंड्स? तो आई वुड लाइक टू से, आपको पता है कि मेरे पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है 1.064। इसका मतलब यह होगा कि इससे मैं पीवी ऑफ सीआई निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरे पास पीवी ऑफ सीओ 171,300 क्या निकाला था अभी हमने, 2.855 मल्टीप्लाइड बाय 60,000, 171,300, ये मेरे पास पीवी ऑफ सीओ है। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1.064 से, 1.064 से, तो 1.064 से, कुछ मिस्टेक आ रहा है क्या यार, ऐसा क्यों हो रहा है, ये 60,000 है और 4 इयर्स है तो मैंने सही तो लिया है सब। हाँ, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1.064 से, तो ये मेरे पास पीवी ऑफ सीआई आ गया। अब ये पीवी ऑफ सीआई है आईआर, वो पीआई वाला, पीआई वाला, पीआई वाला मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला है। तो अब ये जब मेरे पास पीवी ऑफ सीआई है, तो इसमें से जब मैं माइनस कर दूंगा 171,300 ही, तो मेरे पास जो बचा वो एनपीवी आ गया। यहां एनपीवी तक तो सही है, अब मेरे को कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। तो अब मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालूंगा? तो आई वुड लाइक टू से, ये जो पीवी ऑफ सीआई है, पीवी ऑफ सीआई 171,300, हाँ, ये जो पीवी ऑफ सीआई है, ये वाला अमाउंट, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 60,000 से, तो मेरे पास जो भी वैल्यू आ रही है, ये मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पीवीएफ है। कोई बोला क्या कर रहा है सर आपने, मैं तो हमको तो समझा ही नहीं है। समझाते हैं, वापस से समझाते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप लोगों को जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैंने निकाला वो समझा? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हमने कैसे निकाला, वापस समझा रहा हूं भाई। आईआरआर पर पीवी ऑफ सीआई इज इक्वल टू पीवी ऑफ सीओ, बट पीवी ऑफ सीओ विल रिमेन सेम वेदर इट इज एट आईआरआर और वेदर इट इज एट सीओसी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर भी निकालोगे पीवी ऑफ सीओ तो हर बार सेम ही होता है ना यार। तो हमने पहले क्या बोला कि पीवी ऑफ सीआई निकालते हैं आईआरआर पर, तो आईआरआर का ये ले लिया पीवीएफ। पीवीएफ क्यों लिया? क्योंकि हर साल एनुअल सेविंग्स इन कॉस्ट सेम है। तो पीवी ऑफ सीआई का फॉर्मूला क्या बनेगा? एनुअल सेविंग्स, एनुअल सीआई मल्टीप्लाइड बाय पीवीएफ। यही तो सिखा रहा हूं मैं आपको अभी तक के क्वेश्चंस में। तो मैंने 60,000 को जब मल्टीप्लाई कर दिया 15% के 2.855 जो भी आ रहा था 2.855 से, तो मेरे पास जो आया वो पीवी ऑफ सीआई है आईआरआर वाला, जो कि पीवी ऑफ सीओ के इक्वल है, तो इसलिए उसको मैंने पीवी ऑफ सीओ बोल दिया। पहले बात ये बताओ, ये समझ में आ गई? दैट इज योर पीवी ऑफ सीओ, यहां तक समझ में आया? अब पे बैक पीरियड निकालना, तो पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? सीओ अपॉन एनुअल सीआई। तो सीओ मेरे पास है 171,300 डिवाइड बाय एनुअल सीआई है मेरे पास 60,000, तो 2.855 ही मेरा इयर्स का पे बैक पीरियड भी आ गया। यहां तक समझ में आया? अब मेरे को एनपीवी निकालना है, तो पहले अब मेरे पास जो पीआई गिवन है, पीवी ऑफ सीओ है, और पीआई का फॉर्मूला होता है पीवी ऑफ सीआई अपॉन पीवी ऑफ सीओ। तो पीवी ऑफ सीओ को 171,300 को अगर मैं पीआई से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पीवी ऑफ सीआई आ जाएगा। उस पीवी ऑफ सीआई में से जब मैं पीवी ऑफ सीओ को माइनस कर दूंगा तो एनपीवी आ जाएगा, यानी एनपीवी तक भी आ गया। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर क्या होगा? तो आई वॉन्ट टू से कि पीवी ऑफ सीआई का फॉर्मूला क्या होता है? एनुअल सीआई मल्टीप्लाइड बाय पीवीएफ। मगर वो पीवीएफ कौन सा वाला? कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला। तो आई वुड लाइक टू से, अगर मेरे पास पीवी ऑफ सीआई है जो कि मैंने पीआई के बेसिस पर निकाला है, तो पीवी ऑफ सीआई डिवाइडेड बाय एनुअल सीआई मेरे पास 60,000 है, अगर उसको डिवाइड करूंगा तो 4 साल का पीवीएफ आ जाएगा मेरे पास। अब ये परसेंटेज गिवन है, 15 तो हो नहीं सकता, वो तो आईआरआर है। तो अब आप 14%, 13% और 12% के उनको ऐड करो, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर जो गिवन है इन सबको ऐड करो, वो जो भी इसके इक्वल आ जाएगा पीवीएफ के, वो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा। आ गई बात समझ में? तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12 बेसिकली फ्रेंड्स। हम क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देखते हैं। यस, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, देखो इसमें क्या क्या गिवन है ना, अब आप भी चेक करते जाओ मेरे साथ साथ में। दे हैव गिवन अस कि कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो है ना, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो है, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट व्हाट दे हैव गिवन इज आईआरआर 15% गिवन है,
एट IRR ये हमें पता है, तो हमने कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 171,300 निकाल लिया, समझ में आ गया, वही करा जो मैंने समझाया, ठीक है। पे बैक पीरियड निकालना था वो भी आ गया। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए पहले PI यूज करा, तो PV ऑफ CI से आपने ये निकाला, तो PV ऑफ CI भी आ गया। और फिर आपने क्या करा, आई वुड लाइक टू से यस, तो एनुअल CI जब आपको पता है, एनुअल CI इंटू PVAF ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर 4 years इक्वल्स टू दिस मच, ये है, तो PVAF आया। डिस्काउंटिंग फैक्टर के टेबल से देखा आपने, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% रखा, ठीक है। और एनपीवी भी निकालना था, दिस माइनस दिस कर दिया, एनपीवी भी आ गया, ये चारों चीज मैंने आपको बता दी। तो दिस इज हाउ यू हैव कंप्लीटेड योर क्वेश्चन नंबर 12 आल्सो। अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 9th और क्वेश्चन नंबर 10th करेंगे, ठीक है। तो लेट अस रीड द क्वेश्चन नंबर 9th नाउ। यस, let us read this question number 9th now. A company is considering a proposal of taking up a new project which requires an investment of 400 lakhs on machine and other assets. The project is expected to yield the following earning before depreciation and taxes for the over the next 5 years. Here 1 2 3 4 5 mein earning in lakhs given hai aapko, ye raha. The cost of raising the additional capital is 12%, ठीक है, and the assets have to be depreciated at 20% on written down value basis. ये वाला question मैं करवा रहा हूं आपको written down value basis, जब depreciation होता है तो सीखने के लिए, written down value basis. The scrap value at the end of 5 years period may be taken as 0, very good. Income tax applicable to the company is 50%, okay. You are required to calculate the net present value of the project and advise the management to take the appropriate decision. Also calculate the internal rate of return of the project. Note the present value of rupee 1 at different rate of interest are as follows: 10%, 12%, 14%, 16%. ठीक है friends, चलो तो अभी हमें question में बोला है कि आपको NPV निकालना है और advise करना है to take the appropriate decision. तो पहले NPV के basis पे लेना है, IRR बाद में निकालना है। तो एनपीवी निकालना है, तो एनपीवी का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी ऑफ सीओ और पीवी ऑफ सीआई और फिर थर्ड पॉइंट एनपीवी। तो पहले पीवी ऑफ सीओ देखोगे आप इसमें, तो 400 लाख है, इंटू वन कर दोगे तो डायरेक्टली 400 आ गया, ये तो पीवी ऑफ सीओ हो गया। अब जब पीवी ऑफ सीआई है तो इसमें बहुत बड़ी टेबल बनानी पड़ेगी पहले आपको। अभी तक हमारे पास जब स्ट्रेट लाइन बेसिस का डेप्रिसिएशन होता था तो हर साल डेप्रिसिएशन सेम होता था, तो हम एक ही कॉलम बनाते थे, एनपीबीटी जो भी था वो लिखा, उसमें से माइनस करा डेप्रिसिएशन, फिर हमने उसमें से निकाला एनपी, उसमें से माइनस किया टैक्स, तो हमारे पास एनपीएटी आया और एनपीएटी में डेप्रिसिएशन को वही है, डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया, यही बन गया हर साल का, क्योंकि डेप्रिसिएशन हर साल सेम था। अब यहां पर WDV मेथड बोला, डेप्रिसिएशन हर साल सेम नहीं आएगा, जब डेप्रिसिएशन हर साल सेम नहीं आएगा तो आपको पूरी टेबल बनानी पड़ेगी, ईयर 1 2 3 4 5 फर्स्ट कॉलम, दूसरा कॉलम ये अर्निंग्स दैट इज योर एनपीबीडीटी, तीसरा कॉलम डेप्रिसिएशन लिख करके आएगा, और वो डेप्रिसिएशन हर साल का अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, जो कि आपका डेप्रिसिएशन 20% निकालना है 400 के ऊपर, तो 400 का 20% 20 हुआ, तो पहले साल में 20, फिर 380 का 20%, फिर 380 में से जो आया था आपने फिर उसका 20%, तो ऐसे आप डेप्रिसिएशन निकालोगे 500 साल का, ये आपका सेकंड कॉलम आएगा इसमें से माइनस करने वाला। फिर वो जब डेप्रिसिएशन का सेकंड थर्ड कॉलम हो गया, मतलब फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड वो हो गया, उसके बाद जब वो माइनस करके लिखोगे तो वो लिखोगे आप एनपीबीटी, फिर उसमें से फोर्थ कॉलम बनाओगे टैक्स का, वो माइनस करोगे हर साल में से, तो वो माइनस करा तो एनपीएटी फिफ्थ कॉलम, और फिर सिक्स्थ कॉलम लिखोगे सीआई, और वो सीआई कैसे आएगा, एनपीएटी जो आपने निकाला उसमें डिप्रिसिएशन जो आप लेस कर चुके थे वो सब वापस ऐड करो, तो वो आपका सीआई बनेगा हर साल का, वो अलग अलग आएगा। सीआई के बाद डिस्काउंटिंग फैक्टर, वो 12% वाले ये जो दे रखे हैं आपको 0.89 और ये सब जो गिवन है वो लिखोगे, और फिर जाकर के पीवी ऑफ सीआई आएगा, फिर उसका टोटल करोगे आप, और यहां पर सेल्वेज वैल्यू 0 ही बताया है, फिर आप उसका टोटल करोगे और उसके टोटल के बाद आप उसमें से ये पीवी ऑफ सीओ को माइनस कर दोगे तो एनपीवी आ जाएगा। अगर पॉजिटिव आया तो एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, और अगर पॉजिटिव नहीं आया, नेगेटिव आया, तो रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, फिर IRR की बात करेंगे, मगर पहले यहां तक आपको करना है, ठीक है फ्रेंड्स, ओके।
तो आई बिलीव आपको ये बात तो समझ में आ गई जो मैंने समझाई, बट अब इस चैप्टर में ना एक पॉइंट और आएगा जो हमें और अच्छे से समझना है। वैसे वो अब आपके कोर्स में है नहीं, बट फिर भी एक रेफरेंस के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। वो क्या पॉइंट समझा रहा हूँ मैं आपको? अब क्या होता है, ये डेप्रिसिएशन की जब भी WDV वाली बात आती है ना, तो डेप्रिसिएशन की वजह से हमें कैपिटल गेन लॉस निकालना पड़ेगा। वो हम कैसे निकालते हैं? तो आई वुड लाइक टू से कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो आई वुड लाइक टू से आपके पास कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट तो है ही सही, वो 400 लाख रुपए लगे। फिर आपके पास WDV ऑफ द प्रोजेक्ट भी है, 5 साल बाद WDV बचेगा ना, क्योंकि आपने WDV मेथड से लगाया तो कुछ ना कुछ बुक वैल्यू तो बचेगा ना साहब। और वो बुक वैल्यू के बाद सैलवेज उसका जीरो आ रहा है, मतलब 5 साल बाद उसको आप स्क्रैप करने वाले हो तो जीरो वैल्यू पर करने वाले हो। तो इसका मतलब आपको ये कैपिटल गेन लॉस, मतलब कैपिटल लॉस हो चुका है एक तरीके से। बुक वैल्यू जितना भी था और उसमें से आपने सैलवेज जीरो को माइनस करा तो जो भी बचा वो आपका कैपिटल लॉस हो गया। उस कैपिटल लॉस की वजह से आप क्या करते हो? टैक्स सेविंग्स करते हो साहब। तो वो टैक्स सेविंग्स जो आप कर रहे हो तो आपको बेनिफिट हो रहा है, और उसको वो 5 साल बाद हो रहा है, तो आज की वैल्यू में लाना है तो 5 साल के डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो पहले तो जो भी बुक वैल्यू आपके पास बचा, बुक वैल्यू कैसे आएगा? तो आई वुड लाइक टू से 400 में से जितना भी टोटल डेप्रिसिएशन था वो अभी तक का जो आपने करा है एक्युमुलेट, उसको लेस कर दो आप, तो बुक वैल्यू आ गया। उस बुक वैल्यू में से सैलवेज जीरो माइनस करोगे तो वो पूरा का पूरा आपका कैपिटल लॉस आ गया। उसको मल्टीप्लाई करेंगे टैक्स से, क्योंकि बचत तो टैक्स की होगी उसकी वजह से, तो मल्टीप्लाइड बाय टैक्स, और जो भी अमाउंट आया उसको फिफ्थ ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा वो इनफ्लो बन गया एक तरीके से ड्यू टू कैपिटल लॉस। अगर यहीं पर कैपिटल गेन हो रहा होता वो कैसे होता सर? तो बुक वैल्यू तो आप निकाल चुके होते माइनस करके, और सैलवेज आपको दे रखा होता, तो सैलवेज अगर ज्यादा होता उस बुक वैल्यू से तो आपको कैपिटल गेन होता, कैपिटल गेन होता तो मल्टीप्लाइड बाय टैक्स, उतना ज्यादा आपका टैक्स जाता, तो लास्ट में डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट ईयर वाले से, तो वो हमारा आउटफ्लो हो जाता। बट अगर कैपिटल लॉस हुआ तो वो इनफ्लो हो जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन में वो पॉइंट भी आप एक्स्ट्रा करोगे। वैसे आप ये हमारे कोर्स में नहीं है तो आप रेफरेंस के लिए, सिर्फ मैंने आपको समझाया तो आप रेफरेंस के लिए करके रख लो। हाँ, तो अब हम इसका आंसर देखते हैं फ्रेंड्स, फिर हम IRR तो आपको निकालना आता ही है, एक बार पहले आंसर तो देखें इसका। ओके, तो आई वुड लाइक टू से देखो, उन्होंने क्वेश्चन नंबर 9th जब करा तो इस क्वेश्चन नंबर 9th में पहले उन्होंने, यस, सबसे पहले उन्होंने कैपिटल कॉस्ट तो लिख दिया 400, वो अपन ने, मैंने आपको समझाई दिया था। फिर उन्होंने इस बार ऐसा बना लिया, ईयर 1, 2, 3, 4, 5, इट विल मेक नो डिफरेंस, चाहे आप ऐसा बनाओ चाहे आप वर्टिकल बनाओ, हॉरिजॉन्टल बना दिया उन्होंने, ठीक है। NPBDT लिख दिया, WDV का डिप्रिसिएशन 20% का सब जगह माइनस करा, फिर NPBT आया, टैक्स माइनस करा, NPBT आया, डिप्रिसिएशन ऐड करा, CI आ गया, सैलवेज और वर्किंग कैपिटल लास्ट में जीरो ही है दोनों ही, तो वो जीरो जीरो ही लिखा, तो टोटल अमाउंट करा, डिस्काउंटिंग फैक्टर 12% वाले से मल्टीप्लाई करा, तो आपके पास टोटल PV ऑफ CI आ गया। टोटल ऑफ PV ऑफ CI 401,272 आया, तो अब फिर इन्होंने एक अलग से कैलकुलेशन करा कैपिटल गेन या लॉस का, जो मैंने आपको समझाया। तो कॉस्ट 400 लाख, डेप्रिसिएशन 5 साल का इतना चार्ज करा है, तो बुक वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स ये बची, सैलवेज जीरो है तो ये पूरा का पूरा कैपिटल लॉस हो गया। तो उसकी टैक्स सेविंग हमने 50% की करी होगी तो वो ये होगी, और ये 50% की जो टैक्स सेविंग करी, आई बिलीव इसको हमें मल्टीप्लाई करना है लास्ट ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर से, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग्स विल बी लास्ट ईयर का देखो 0.52 ही था। क्वेश्चन नंबर 9 था, हाँ, 0.57, तो 0.57 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ गया। फिर जाकर के हमने क्या करा, NPV निकाला, और NPV में PV ऑफ CI माइनस PV ऑफ CO करा, और आपके पास ये NPV आ गया। दैट इज वॉट यू आर गेटिंग इन योर NPV, एंड दैट NPV इज द अमाउंट ऑफ 38.627, ये 38.627 है, तो सिंस ये पॉजिटिव है यू शुड एक्सेप्ट द प्रपोजल। और इसके बाद IRR तो निकालना आपको आता ही है, आपके पास डिफरेंट रेट्स तो गिवन है, 12 का आपने निकाल लिया ना, अब आप 16 का निकाल लो, 14 का निकाल लो, देखो इन्होंने कर रखा है, ये 14 का निकाला, ये आया, फिर 16 का भी निकाला, ये आया, तो इन दोनों के बीच में होगा वो, तो दैट इज व्हाट दे हैव टेकन बाय इंटरपोलेशन। आ रहा है ना आपको समझ में पूरा?
इस वाले क्वेश्चन को करवाने का एक ही पर्पज था, सिर्फ आपको WDV मेथड सिखाना था मुझे। WDV मेथड होगा तो पूरी टेबल बनानी पड़ती है डेप्रिसिएशन के साथ। चलो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन अब हम और देखेंगे इस लेक्चर में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th भी, हाँ फ्रेंड्स, ठीक है, यस। सो लेट अस रीड दिस क्वेश्चन नंबर 10th नाउ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ हॉस्पिटल इज कंसिडरिंग टू परचेज अ डायग्नोस्टिक मशीन कॉस्टिंग 80,000। द प्रोजेक्टेड लाइफ ऑफ द मशीन इज 8 years and has an expected salvage value of 6,000 at the end of 8 years. Okay. The annual operating cost of the machine is 7,500. It is expected to generate revenues of 40,000 per year for 8 years. Presently, the hospital is outsourcing the diagnostic work and is earning the commission income of 12,000 per annum net ऑफ टैक्सेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन करो उसको, नेट ऑफ टैक्सेस पर ईयर, नेट ऑफ टैक्सेस अंडरलाइन करो आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत। अब इसके बाद, वेदर इट वुड बी प्रॉफिटेबल फॉर द हॉस्पिटल टू परचेज द मशीन, गिव योर रिकमेंडेशन अंडर नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड और PI मेथड। PV फैक्टर है 10% आर गिवन बिलो, ठीक है, वो तो PV फैक्टर आपको गिवन होते ही, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को वापस से समझते हैं पूरा क्या गिवन है। सबसे पहले हमें एक मशीन परचेज करनी है जिसकी 80,000 की वैल्यू है और उस मशीन की लाइफ 8 साल की है। एक्सपेक्टेड सेल्वेज वैल्यू 8 साल बाद वो 6,000 का देगा एट द एंड ऑफ 8 इयर्स। ओके, द एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 7,500, ये हमारी एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट लगती है। इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट द रेवेन्यू ऑफ 40,000 पर ईयर फॉर 8 इयर्स, ठीक है। ये 8 साल के लिए हमें रेवेन्यू कितना जनरेट करके देगा, 40,000 जनरेट करके देगा, ठीक है। प्रेजेंटली द हॉस्पिटल इज आउटसोर्सिंग द डायग्नोस्टिक वर्क एंड इज अर्निंग द कमीशन इनकम ऑफ 12,000 पर एनम नेट ऑफ टैक्सेस। और अभी हम क्या कर रहे थे कि इस सम को, मतलब इस काम को हम अभी आउटसोर्स कर रहे थे और वहां से अभी हमें 12,000 रुपए की इनकम हो रही थी। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि वो मशीन, यस फ्रेंड्स, तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 10th है ना, इसमें ये जो नेट ऑफ टैक्सेस वाली बात है ना, तो इससे हमें ये पॉइंट क्लियर होता है कि हम इसको क्वेश्चन में, अगर मुझे ये कमीशन मिल रहा है 12,000 का पहले से, ठीक है, मेरे को क्वेश्चन में ये बताया, बहुत सिंपल सी बात है, मेरे को क्वेश्चन में क्या समझाया मैं आपको बता देता हूँ बहुत अच्छे से। मैं बुक्स जो प्रिंट करता था वो मैं बाहर देता था, ठीक है, आउटसोर्स कर देता था मैं उस काम को, और मैं बुक्स रिकमेंड भी करता था आपको कि आप ये वाली बुक खरीदो, ये वाली बुक खरीदो। तो जब मैं वो रिकमेंड करता था तो वहां से जिस पब्लिशर की मैंने आपको रिकमेंड करी वहां से मुझे कमीशन मिलता था। फिर मैंने बाद में सोचा कि यार क्यों नहीं मैं खुद का ही प्रिंटिंग प्रेस डाल दूं और वहीं से बुक्स बच्चों को दे दूं। तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है कि हॉस्पिटल ने कंसिडर करा कि एक डायग्नोस्टिक मशीन खुद खरीद ले, और वो अभी तक क्या करता था, कहीं और के लिए डायग्नोस्टिक के लिए भेजता था आपको, सोनोग्राफी और वो सब के लिए कहीं और भेजता था, और वहां से उसको कमीशन मिलता था 12,000 रुपए पर एनम का नेट ऑफ टैक्सेस, मतलब सब टैक्सेस वैक्सेस हटा करके। अब अगर आप क्वेश्चन में आपको ये बताया कि अगर आप खुद परचेस करोगे तो 80,000 की मशीन आई और उसकी लाइफ 8 साल की और 8 साल बाद उसको 6,000 मिलेंगे आपको सेल्वेज के, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द मशीन हर साल के आपको 7,500 उसकी कॉस्ट आएगी और आपको रेवेन्यू जनरेट होगा 40,000 का एक साल के लिए, और वो 8 साल मतलब पर ईयर है और वो 8 साल तक के ऐसे ही होगा, और ये रेवेन्यू होगा 40,000 का, ठीक है, आपको ये तो समझ में आ गया। बट सर इसमें अभी हमारे पास टैक्स रेट नहीं है, मगर ये जो इनकम है 12,000 की पर एनम वो टैक्स नेट ऑफ टैक्सेस, मतलब वो टैक्स को कट करके रहे। तो अगर मैं बोलूं कि 40,000 में से 7,500 का खर्चा तो बचे 32,500 पर ईयर, मगर ये तो बिफोर टैक्स है, तो इस बिफोर टैक्स को मैं कैसे 12,000 के आफ्टर टैक्स से कंपेयर करूं। तो यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि मैं यहां पर टैक्स गिवन नहीं है, तो मैक्सिमम टैक्स रेट जो कि 30% होता है इंडिविजुअल के लिए, आई विल अज्यूम कि टैक्स रेट इज 30%, आई विल अज्यूम, यू कैन अज्यूम 50%, 40%, मगर वो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो जो आपकी इनकम दिख रही है वो बिफोर टैक्स है और इसको हम आफ्टर टैक्स वाली इनकम से कंपेयर नहीं कर सकते। तो जब आपने टैक्स रेट अजम्पशन लिया कि इट विल बी योर 30%,
तो आई बिलीव ये आपने 40,000 में से इसको माइनस कर दिया, तो जो भी आपके पास आया 32,500, उसमें से 30% का टैक्स माइनस करा, और साथ में ये 12,000 जो आपको एनुअली कमीशन मिल रहा था, अब आप वो फोरगो कर रहे हो, वो फोरगो कर रहे हो, तो वो टैक्स के बाद निकालने के बाद फिर इसको भी माइनस करो, और डेप्रिसिएशन तो माइनस पहले करना ही पड़ेगा और बाद में वापस एडबैक करना ही पड़ेगा। ऐसे करके पहले आपको इसमें क्वेश्चन में सीआई निकालना पड़ेगा। वापस से मैं समझाता हूं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से पीवी ऑफ सीओ तो लेंगे, तो पीवी ऑफ सीओ में क्या लोगे, 80,000 रुपए लग रहे हैं आपके, तो ये 80,000 रुपए इंटू वन करके आपने ले लिया पूरा, पीवी ऑफ सीओ आ गया। अब पीवी ऑफ सीआई निकालना है ना फ्रेंड, तो पहले रेवेन्यू लोगे 40,000 का, उस रेवेन्यू में से एक तो एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट 7,500 माइनस करोगे और डेप्रिसिएशन माइनस करोगे। डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 80,000 माइनस 6,000 डिवाइड बाय 8, ये आपको लेना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, तो ये भी आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे। ये दोनों माइनस करने के बाद जो भी रेवेन्यू आपके पास आया वो तो बिफोर टैक्स है, तो उसमें से पहले टैक्स माइनस करोगे, और टैक्स माइनस करने के बाद जो भी बचा वो आपके पास एनपीएटी आ गया। अब आप पहले तो 12,000 रुपए की इनकम अर्न कर रहे थे ना, मगर अगर खुद की मशीन डालोगे तो ये जो आपकी इनकम अर्न हो रही थी वो इनकम नहीं हुई, मतलब इनफ्लो जो आ रहा था वो इनफ्लो नहीं हुआ, तो इट इज एज गुड एज आउटफ्लो, तो हम इसको भी जो हमारा एनपीएटी आया उसमें से माइनस कर देंगे, और फिर डेप्रिसिएशन वापस जो हमने पहले लेस कर रखा था तो उसको एडबैक कर देंगे, तो वो हमारा एनुअल सीआई बन जाएगा, और उस एनुअल सीआई को ये जो ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक के ईयर्स का दे रखा है पीवीएफ से मल्टीप्लाई कर देना यार। जब मल्टीप्लाई कर दोगे और साथ में सेल्वेज को भी लास्ट ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली, तो ये हमारे पास पीवी ऑफ सीआई आ गया। इसमें से पीवी ऑफ सीओ माइनस कर दोगे तो आपके पास एनपीवी आ जाएगा, और दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालने के लिए पीवी ऑफ सीआई जो आपने निकाला डिवाइड बाय पीवी ऑफ सीओ कर देना, तो वो भी आ जाएगा, और फिर हम उसका रिकमेंडेशन दे पाएंगे कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर एनपीवी पॉजिटिव आया तो पीआई 1 से ऊपर ही आने वाला है, तो अगर ऐसा हुआ तो वी शुड एक्सेप्ट, नहीं हुआ तो वी शुड नॉट एक्सेप्ट। तो अब हम इसका आंसर चेक करते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 10th में देखो, उसने सबसे पहले तो यही करा, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टेकन, यस यू कैन सी नाउ दे हैव टेकन कैपिटल कॉस्ट 80,000 इनटू 180,000, फिर पीवी ऑफ सीआई जब लिया ना, देखो ये पीवी ऑफ सीआई के लिए तो सेल्स रेवेन्यू लिया, ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करा तो ये एनपीबीडीटी बन गया, इसमें से डेप्रिसिएशन लेस करा जैसा मैंने आपको बताया तो एनपीबीटी आया। टैक्स रेट या अजम्पशन लेना पड़ेगा, टैक्स गिवन नहीं है क्वेश्चन में, मगर अजम्पशन लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ा, क्योंकि जो आउटसोर्सिंग वाली इनकम थी वो नेट ऑफ टैक्सेस थी, वो अगर नेट ऑफ टैक्सेस नहीं होती तो मैं नहीं करता टैक्स का अजम्पशन, तो फिर वो टैक्स माइनस करा तो एनपीएटी आया, फिर डेप्रिसिएशन मैंने वापस एडबैक करा तो ये आया, और उसमें से लॉस ऑफ कमीशन माइनस कर दिया, वो एक ही बात है। तो एनुअल सीआई आ गया, पीवीएफ से मल्टीप्लाई करा, पीवी ऑफ सीआई आया, और सेल्वेज वैल्यू को भी ऐड करा 6,000 को लास्ट वाले डिस्काउंटिंग फैक्टर से, ये आ गया टोटल ऑफ पीवी ऑफ सीआई, उसमें से माइनस कर दिया तो नेगेटिव में आ गया। नेगेटिव में आ गया तो मेरे को पता पड़ता है भैया आउटसोर्स का काम ज्यादा बढ़िया है, खुद की मशीन लगाने पे लॉस हो जाएगा, तो देयरफॉर वी शुड नॉट एक्सेप्ट इट। तो ये एनपीवी, और इसी के जस्ट बाद उन्होंने ये आपको निकाल के भी बता दिया पीआईबी, पीआईबी 1 से कम है तो वी शुड नॉट एक्सेप्ट इट। Decision NPV is negative and PI is less than 1, the project should be rejected. In the absence of information, it is assumed that tax rate is 30%. और जो हमने बोला since commission कैसे लिया हमने, ये tax rate 30% क्यों लिया हमने, तो वो मैंने जो आपको समझाया वो यहीं पर दे रखा है ये वाली बात। Since commission income is net of taxes, it indicate tax exists. However, the tax rate is not given in the question and hence we have assumed it to be 30%. However, if the word net of taxes were not given in the question, then we would have ignored the tax and accordingly CI would be calculated as follows. So, bas usme tax hata dena yaar. To depreciation ki baat nahi aayegi. Sales minus operating cost or minus if commission kar doge directly. Kyunki depreciation jab bhi aata hai use mein jab tax hoga. Tax nahi hoga to depreciation mein nahi aayega use. To is tarike se aapka question number 10 tak bhi solve ho gaya.